दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जगत ज्ञान में। अगर आपके पास कुछ इस तरह से समस्या आ रही है विंडोज डालते समय, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। शुरू से आखिर तक देखिए, आपको समस्या का हल मिल जाएगा। हल और कारण मैं दोनों बताऊंगा। सबसे पहले इसका कारण जान लेते हैं, ये समस्या आती क्यों है। ये समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि जो है हमारा कंप्यूटर नए ज़माने का है। जो है ये देख सकते हैं, इसमें जो है अभी नए ज़माने का HP का लैपटॉप है मेरा। इसका नए ज़माने से कोई लेना देना नहीं। मेन रीज़न ये है, जो है इसका मदरबोर्ड वगैरह है वो जो है अभी लेटेस्ट ज़माने का है, अभी जल्दी में बना हुआ है। और ये जो हमारा विंडोज 7 है ये बहुत पुराना है, आपको तो मालूम ही होगा बहुत पुराना है। तो यानी कि दोनों का जो है ड्राइवर तालमेल मैच नहीं खा रहा है, बिल्कुल जो है मामला फिट बैठ नहीं रहा है यहाँ पे। तो उसको जो है इसमें आप USB से विंडो डालते हैं तभी ये प्रॉब्लम आती है आपके सामने। अगर CD से डालेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको एक करना क्या होगा, अपनी USB में वो जो है पुराने वाला ड्राइवर डालना होगा। आप इसी के लिए मैं जो है दोबारा इस कंप्यूटर ऑन करता हूँ, कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलता हूँ, फिर बात करते हैं कैसे होगा। अभी तो हम इसे रिस्टार्ट कर देंगे। आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है और इसके बाद राइट क्लिक करके इसे एक्सटेंड ऑल कर देंगे। ध्यान दीजिए, ये फाइल पूरे YouTube पर किसी के पास है नहीं, सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगी। मैंने और भी वीडियो देखी, लोग पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या लिंक दे रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा है बिल्कुल। तो डाउनलोड कर लें, कभी काम आएगी आपके। ये तो इस तरह से ये दिखेगा, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यस के लिए ऑप्शन आएगा तो यस कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर ये जो छोटा सा आइकन दिख रहा है, तीन बिंदु, यहाँ पर जो है अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने विंडो डाली है, ओके कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर क्रिएट इमेज करेंगे। तो क्रिएट इमेज करते हैं, ये माउंटिंग इंस्टॉल भी कुछ इस तरह से होने लगेगा प्रोसेस। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, थोड़ा इसे समय दीजिएगा, मैं अभी बताऊँगा कैसे होगा। फिर ये सब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो है अपडेट फिनिश्ड का लिखा आ जाएगा। अब इसे बंद करें, इसे भी हम बंद करते हैं। अपनी पेन ड्राइव जो है एक बार निकाल लेंगे और जो है अब कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे। तो इस बार क्या करेंगे, कंप्यूटर शट डाउन करके जो है अपनी पेन ड्राइव दूसरे पोर्ट में लगाएंगे। पहले इधर लगी थी तो अब और दूसरे पोर्ट में लगाएंगे। अब दोबारा से ओपन करेंगे और बूट की दबा के बूट पर ले जाएंगे इसे। नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉल नाउ। अब यहाँ पर जो है अपना वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा, इस बार मेरे पास कोई एरर मैसेज नहीं आया है, ये देख सकते हैं। डिस्क सेलेक्ट करने का भी आ चुका है। मैं आपको जो है अपना जो है निकाल के ही दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या लगी हुई है। ये देखिए, मैं अभी आप सोच रहे होंगे CD से बूट कर रहा हूँ, तो मैं CD से भी बूट नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें CD लगी नहीं है और मैं अभी पेन ड्राइव से बूट कर रहा हूँ, ये देखो। और इधर भी कोई और चीज़ नहीं लगी है। तो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली है, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। कोई समस्या है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो आखिर तक दे। आपका काम बन गया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर नहीं बना है, समस्या है, तो ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर सहायता करूंगा आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो आखिरी तक देखने के लिए।